मास्क की तरफ से जीएचसी का बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, जो कि पहले मैं आपको डर्मा रोलर दिखाया था, जो कि हमारे बालों की प्रॉब्लम जो है उससे हमें निजात मिलता है और हमारी वो प्रॉब्लम डे बाय डे हल होने शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक मैं एक आपको सीरम लेके आया हूँ, जो कि 5 इंग्रेडिएंट्स इसमें इतने अच्छे डाले हुए हैं, जो इसमें 5 तत्व इसमें डाले जो हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे डाले हुए हैं, जिससे कि हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साइड में एक आ रहा है चैनल का, आप वहाँ पर जाइए और मेरे नाम चैनल को खोलिए, लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ वहाँ पे जाके आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती जाएंगी और साथ में एक बेल आइकन आएगा, बेल बनी होगी, घंटी बनी होगी, उसको प्रेस कर देंगे तो सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये मार्स का ग्लो स्किन सीरम है, इसमें 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि एक है मुल्तानी मिट्टी, विटामिन सी, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट इसमें डाला हुआ है, कोको बटर डाला हुआ है और निया सियनामाइड, जो कि 5 बहुत ही बढ़िया इसके रिजल्ट हैं, जो कि मैं अब आपको बताता हूँ इसके क्या क्या काम है और क्या क्या हमें इससे बेनिफिट मिलता है। पहले मैं आपको इसकी क्वांटिटी बता देता हूँ क्या है। ये शीशी है 30 ml की, 30 ml की शीशी है, 800 रुपये की ये शीशी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। और जो मैंने 5 इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं उसकी मात्रा इस 30 ml में कितनी है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। नियासिनामाइड जो है वो 2% डाला हुआ है, विटामिन सी इसमें 4% डाला है, मुल्तानी मिट्टी 5% डाली है, कोको बटर 2% और 2.5% डाला हुआ है टर्मरिक एक्सट्रैक्ट। टर्मरिक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जो कि हम हल्दी खाते हैं तो उससे भी हमें फायदा होता है, ये वही टर्मरिक है जो कि इन्होंने इसमें डाली हुई है, जिससे कि हमारी जो जिसको हम बोल देते हैं टर्मरिक एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीफिलामेंट्री प्रॉपर्टीज हैं, जिससे कि हमारे जो कहते हैं ना रिस्टोर योर नेचुरल ग्लो, जो आपका नेचुरल ग्लो है वो निकल के बाहर आएगा जो हम टर्मरिक खाते हैं, और हम तो लगा रहे हैं तो उससे अपने आप बेनिफिट आएगा ही आएगा, जिस जिस एरिया पे लगाएंगे वहाँ पे चमक आएगी आएगी। और इसमें कोको बटर है, कोको बटर जो है वो है हाइड्रेट स्क्रीन एंड आपकी मेंटेन करता है आपकी इलास्टिसिटी, हमारी स्किन की बढ़िया हो जाती है और हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग करती है। और उसके बाद है विटामिन सी, विटामिन सी जो है वो हमारी वैसे भी स्किन को बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है हमारी स्किन, अगर कोई दूसरा बंदा देख रहा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगा देख के कि आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो कर रही है, विटामिन सी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। उसके बाद है इसमें मुल्तानी मिट्टी, अब हम मुल्तानी मिट्टी पे आते हैं। मुल्तानी मिट्टी हमारी जो है वो हमारी स्किन को बिल्कुल टाइट कर देती है, जिससे कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा यंग लगने लग पड़ती है, अगर आपके आईज़ के नीचे झुड़ियाँ पड़ रही हैं, साइड में पड़ रही हैं, या आपके आईज़ के नीचे झुड़ियाँ हैं तो आपका वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। मुल्तानी मिट्टी का क्या क्या, एक तो है इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड डाला होता है, जिससे कि हमारी जो ब्लैक हेड्स हैं वो बिल्कुल रिमूव हो जाते हैं हमारे फेस के, और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अगर आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इनमें डाले हों और आपकी स्किन को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुँचे तो इससे अच्छा बेनिफिट कोई नहीं मिल सकता। उसके बाद हमें इसमें डाला हुआ है नियासिनामाइड जो है वो बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है, जिससे कि हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल ब्राइटनिंग होगी और मॉइस्चराइजिंग होगी। ये नियासिनामाइड जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जिससे कि हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लग पड़ती है। इसमें 5 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए, जिससे कि हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा और हमारी स्किन ज़्यादा ग्लो करेगी। और ये मार्स का प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इसकी मान्यता दी जाती है मार्स की, और काफ़ी बेनिफिट मिलता है। और इसको लगाना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। पहले तो हमने एक कोई भी फेस वॉश या कोई भी हमारे पास कोई घर पे पड़ा हो तो हम उससे पहले अपना फेस वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे बूंदों के साथ, जो कि ड्रॉप्स इसके साथ ड्रॉपर दिया हुआ है, मैं आपको लगा के भी बताऊँगा। ड्रॉपर दिया गया है, उसको 3-4 बूंदें अपने स्किन के ऊपर लगाएं और उसके बाद अपनी उंगलियों से उसमें मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद आप उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए 2-3 मिनट के लिए, उसकी फ्रेगनेंस भी उड़ जाएगी और वो जो सीरम है वो आपकी स्किन के अंदर चला जाएगा। स्किन के अंदर जाने के बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम आपके पास है वो आप लगा लिए, उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद क्या है कि अगर आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है, जो आपका सीरम है वो अंदर ही रहेगा, आपकी स्किन के अंदर अंदर जाएगा और आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मैं अब आपको इसको लगा के दिखाता हूँ, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसको कैसे लगाना है। ये रहा इसका ड्रॉपर, इसको प्रेस करना है और ये आ गया भर लिया।
अब हमने इसको बूंदे लगानी है। चार बूंदे मैंने लगा ली अपने फेस के ऊपर, तो धीरे से अपनी उंगलियों के साथ इसको मसाज करें। फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है, ऐसे लग रहा है जैसे एक तो इसमें मेरे को लग रहा है गुलाब जल भी डाला हुआ है, जिसकी रोज की फ्रेग्रेंस आ रही है, मुल्तानी मिट्टी की फ्रेग्रेंस आ रही है। हाँ बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस है, जिससे कि मेरा तो मूड ही फ्रेश हो गया। देखो मैंने लगाया और बिल्कुल ये उड़ गया, बिल्कुल भी मेरी स्किन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। और इसका ये फायदा है, एक तो आपकी फ्रेगनेंस भी उड़ गई और आपने जो भी लगाया हुआ है वो भी खत्म हो गया, तो ये बिल्कुल एकदम अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मार्स की तरफ से है, 5 यूनिट इसमें डाले हुए हैं, मैंने उसका आपको रिजल्ट बता दिया क्या क्या है, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने इसको अभी तक, एक मेरे पास पहले भी शीशी थी वो भी मैंने यूज़ की, और उसके बाद मैंने ये दूसरी शीशी मंगवाई है, तो मेरे को बड़ी अच्छी लगती है ऐसे प्रोडक्ट जो कि मेरी स्किन को ग्लो करें। तो आप भी इसको यूज़ करिए और मुझे बताइए कमेंट में। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।